नमस्कार दोस्तों, आईएफएससीआई लिमिटेड के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.84% की आपको क्लियर गिरावट दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रहा है और स्टॉक आपको कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल आ रहा है, क्या स्टॉक में यहाँ पे तेजी आएगा, गिरावट आएगा, तो अगर ऊपर बढ़े क्या टारगेट रहेगा, नीचे तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों क्लियरली आप देख सकते हो कि स्टॉक आपको एक्जैक्टली यहाँ पर एक ऑफ ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था, अब इसको ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करके स्टॉक आपको एक्जैक्टली यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता नजर आ रहे हैं और बार बार जो अपना ट्रेल लाइन है उसी को रेजिस्टेंस बना के नीचे आ रहे हैं। क्लियरली देख सकते हो, अब हमारे सामने एक सपोर्ट लेवल भी था जो कि 68 रुपये का था स्टॉक, इसको भी ब्रेकडाउन करके 2-3 दिन से इसके नीचे भी ट्रेड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पे 58.85 रुपया में दिखाई दे रहा है। अब जब यहाँ पे स्टॉक गिर रहा है तो इस लेवल तक आने का संभावना हाई है, अदरवाइज जब स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक हाई लगाएगा यहाँ पे 75.30 रुपया का, देन जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो 80.75 रुपया को टारगेट लगाएगा, उसके बाद 90.95 रुपया या फिर आप इसको 91.91 रुपये भी मान सकते हो, राइट। सो दोस्तों यहाँ पर जो भी लेवल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए सभी लेवल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया है। इस वीडियो को एक लाइक करें, धन्यवाद।